सबसे पहले दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इस वीडियो होगा फेसबुक रिकवर करने का। इस वीडियो में दोस्तों अपना ओल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर पाओगे, या दोस्तों अगर अपना जो फेसबुक अकाउंट है हैक हो गया है उसी अकाउंट को आप फिर से यहां से रिकवर कर पाओगे। सिंपली प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप देखने से दोस्तों आप आसानी से रिकवर कर पाओगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है रिकवर नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपना फ़ोन से गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक हैक हाउ टू रिकवर। सिंपली फेसबुक हैक हाउ टू रिकवर लिख के यहाँ पर सर्च करने से आपका सामने ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको जो करना है रिपोर्ट कंप्रोमाइज अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपका सामने ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों सिंपली आपको जो करना है माई अकाउंट इज कम्प्रोमाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने से इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख पर है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसी अकाउंट तो हैक हो चुका है। वहाँ पर अपना नंबर जीमेल आईडी चेंज भी कर दिया, पासवर्ड भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो करना है सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। आप दोस्तों फेसबुक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपको जो करना है डुप्लीकेट एक अकाउंट आपको बना लेना है, ठीक है, या आप दोस्त का अकाउंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों डुप्लीकेट अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर सिंपली सर्च बार ऑप्शन देने को मिलेगा। इस सर्च बार में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, जो अकाउंट को आप रिकवर करना चाहते हैं उसी अकाउंट को सिंपली यहाँ पर लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो आप अपना फेसबुक अकाउंट को यहाँ से सर्च कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे साथी आर, ठीक है। सर्च करने से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ढूंढ लेना, ठीक है। तो आ गया है, इस अकाउंट को मैं रिकवर करके दिखाऊंगा। तो उन प्रोफाइल पर जाना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना। क्लिक करके यहाँ पर कॉपी लिंक कर लेना है, इस अकाउंट का लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपको रिटर्न आ जाना है उसी इंटरफेस पर जो मैं पहले दिखाया था। तो यहाँ पर सिंपली आ गए हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट कर देंगे, ठीक है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो स्लैश है इस स्लैश से लेफ्ट साइड में जितना सारे है यहाँ पर काट देना है, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों सिंपली यहां पर आपको एक पासवर्ड देना है, ठीक है। क्या पासवर्ड देंगे, तो हिजी बिजी आपको जो आता है यहां पर दे देना है, ठीक है। देख पा रहे हैं मैं कौन सा पासवर्ड दिया हूं, ठीक है। तो देने के बाद दोस्तों यहां पर सिंपली आपको जो करना है, तो यहां पर लॉगिन जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने से दोस्तों आपका सामने एक इंटरफेस शो हो जाएगा इस प्रकार से। यहां पर आप देख पा रहे हैं नीड हेल्प विथ फाइंडिंग योर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन मिलेगा गो बैक और फाइंड अकाउंट। तो सिंपली आपको जो करना है फाइंड अकाउंट पर क्लिक करना। क्लिक करने से दोस्तों आपका सामने एक इंटरफेस दिखाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के लिए बता रहा है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर सर्च बाय योर ईमेल एड्रेस और नेम, ठीक है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस से आप चेक कर सकते हो, या आप यहाँ पर नेम लिखकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली मैं उस नेम लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे जो मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो यहाँ पर सिंपली साथी आर लिख के सर्च करेंगे। तो सर्च करने से देखेंगे यहाँ पर आया कि नहीं। तो देख पा रहे हैं पहला वाला जो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर ऊपर में दिखा रहा है कि हैक हो चुका है, ठीक है। तो हैक जो अकाउंट है उसी अकाउंट को मैं यहाँ पर रिकवर करके दिखाऊंगा। सिंपली यहाँ पर साथी यार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मांग रहा है कि टू हेल्प आस यू फाइंड योर अकाउंट प्लीज इंटर ए फ्रेंड फुल नेम। यहाँ पर अपना जो फ्रेंड है उसी फ्रेंड का एक नेम दे देना है यहाँ पर फुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर जो है नंबर दिखा रहा है, जो नंबर से मैं फेसबुक अकाउंट बनाया था उसी नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। इसी नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। इसी नंबर जो है इसी नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सिंपली OTP दे देने से यहाँ पर क्रिएट ए न्यू पासवर्ड ऑप्शन देने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देना है। देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट करना है। करने से दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस देने को मिलेगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला जो है यहाँ पर आई डोंट सी दिस राइट ऑप्शन ऑन दिस लिस्ट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना, ठीक है। करने से दोस्तों यहाँ पर चेकिंग होगा, ठीक है। अपना जो अकाउंट है अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर चेकिंग होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं चेकिंग हो रहा है, ऊपर में दिखा रहा है कि हाय साथी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना जो हैक हुआ अकाउंट है
उसी अकाउंट को आप आसानी से रिकवर कर पाओगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरा तरफ से मेरा टीम का तरफ से आपको 100% हेल्प किया जाएगा, तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन दोस्तों चेक कर लेना, वहाँ पर एक लिंक दे देंगे, ठीक है। चेकिंग होने के बाद दोस्तों आपका सामने ऐसे ही इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर जीमेल आईडी शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर दोस्तों कैंसिल भी कर सकते हो, आप अपना जो न्यू जीमेल आईडी है उसी जीमेल आईडी को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से दोस्तों यहाँ पर अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसी फ्रेंड से यहाँ पर मिनिमम 8 यहाँ पर फ्रेंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेंगे, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं जिस तरीके से बताया उसी तरीके से फॉलो करते जाना, आप आसानी से अपना हैक हुआ अकाउंट या ओल्ड अकाउंट आसानी से आप रिकवर कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने ऐसे इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं ऑल डन, ठीक है, यहाँ पर ऑल डन दिखा रहा है, यानी दोस्तों रिकवर हो गया है। तो सिंपली दोस्तों जो मैं पासवर्ड वहाँ पर दिया था, तो मैं इसी अकाउंट को लॉग आउट करके उसी अकाउंट को मैं यहाँ पर लॉग इन करेंगे। यहाँ पर सिंपली लॉग इन इंटू अनदर अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया। इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आज दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी रहिए, खुश रहिए।